रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोवर्धन तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल। मंगलवार को मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र में ब्लॉक परिसर में मंगल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा जिला अधिकारी नवनीत चहल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर तहसील दिवस पर पहुंचे, जहां मौके पर 10 शिकायतें आई। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में 10 शिकायतें आई हैं, जिनका निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों को एक हफ्ते का समय दिया गया है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस विभाग में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर उपजिलाधिकारी राहुल यादव, पवन पाठक, तहसीलदार गोवर्धन क्षेत्राधिकारी रविकांत पाराशर व आला अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, बताएं आज समाधान दिवस लगाया है, आपकी कितनी शिकायतें आई हैं सर? समाधान दिवस में पुलिस से संबंधित जो भी समस्याएं आई हैं, निस्तारण किया गया है। अगर मुकदमा लिखाने वाली बात है तो अधिकारियों को सूचित किया गया है, और जिसमें मुकदमा लिखा गया है उसमें तात्कालिक प्रभाव से जो है विवेचना कराकर उन दोष के आधार पर कार्रवाई करने के लिए। सर, कुछ लोग दबाव बना रहे हैं उन लोगों पर, लेकिन मुकदमा जिस संबंध में लिखा गया है उसके समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फैक्ट्स के आधार पर की जाएगी, जो पत्र प्रकाश में आएंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पीड़ित परिवार की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। सर, पुलिस से संबंधित कितनी शिकायतें अभी तहसील दिवस में? अभी यहाँ पर एक शिकायत पुलिस विभाग से आई है, जिसके निस्तारण के लिए अधिकारियों ने निर्देशित कर दिया। कितनी शिकायतें आई हैं, कितनी का निस्तारण कर दिया गया? आज गोवर्धन तहसील में तहसील दिवस का जो आयोजन किया गया, उसमें हमारे और कप्तान साहब के द्वारा प्रतिभाग किया गया, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कुल 10 शिकायतें यहां पर आज प्राप्त हुई हैं और उनके निस्तारण एक सप्ताह में कराए जाने के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। सर, आज कुछ निस्तारण हुए? आज अभी कोई तात्कालिक रूप से निस्तारण नहीं हुआ, सभी जो एप्लीकेशन आई उनमें जाँच की आवश्यकता है और एक सप्ताह के अंतर्गत सभी का निस्तारण करने के लिए। सर, ज़्यादातर शिकायतें किसकी हुई? ज़्यादातर शिकायतें या तो राजस्व विभाग की हैं, जो कि ज़मीन पैमाइश संबंधी है, या फिर कुछ इस प्रकार की हैं जिसमें वृद्धावस्था पेंशन या समाज कल्याण विभाग से संबंधित हैं, इस प्रकार की शिकायतें हैं। कुल 10 ही शिकायतें हैं, तो इनका निस्तारण भी एक सप्ताह में गुणवत्ता युक्त करा दिया जाएगा, ऐसा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया। सर, देखा गया कि ज़्यादातर विभागों से कई विभाग ऐसे थे जिनके यहाँ पर अधिकारी नहीं थे और आप आवास लगाते रहे? कुछ एक विभाग ऐसे थे जिनमें इस समय पर और कुछ एक दो महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम वो चल रहे हैं, जैसे छात्रवृत्ति के संबंध में इस समय पर जिला स्तरीय जांच चल रही है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि वो उसकी जांच की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कराए और अपने किसी और अधीनस्थ को यहाँ पर भेजे, तो समाज कल्याण अधिकारी उस कारण से उस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने के लिए आज यहाँ पर नहीं थे। इसी प्रकार से अन्य जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और जो अधिकारी यहाँ अनुपस्थित हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी प्रेषित किया गया। सर, गोवर्धन तहसील से लेखपाल साहब छापा तहसील क्षेत्र में पैमाइश करने गए थे विवादित जमीन की, ऐसा मामला है, वीडियो एक बार हुआ, हम देख लेते हैं उसमें किसी अधिकारी के निर्देशानुसार या अपने कार्यक्षेत्र के बाहर निकल कर अपने कार्यक्षेत्र के बाहर रहे हैं। हाँ, यदि इस प्रकार की बात तथ्य सामने आता है कि अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर किसी ने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने का प्रयास किया, तो उस संबंध में भी कार्रवाई जरूर की जाएगी।